guys, and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udaan. So let's make it together. Hello friends, welcome to Wings Ek Udaan. Last lecture में हमने operating system complete किया, जिसमें हमने graphical और character user interface, साथ में examples कुछ desktop की और mobile operating system की पढ़ी है उसमें, ठीक है. अब हम next topic start करेंगे, email. ठीक है, ये भी आपके syllabus में mention है. तो आज हम यहां से ईमेल से स्टार्ट करेंगे, जिसके साथ में करेक्टेड ईमेल एंड इंटरनेट बताया हुआ. पहले हम ईमेल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. ये लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 18. अब देखिए, ईमेल जो है वो तकरीबन हम सब आजकल के टाइम पे सब इनफैक्ट यूज करते हैं, ठीक है. कुछ ही होंगे, बहुत कम लोग होंगे जिनका जीमेल में या फिर किसी मेल में अकाउंट ना हो, अदरवाइज सबका अकाउंट होता है ईमेल में. हम ईमेल किस लिए यूज करते हैं? हम ईमेल इसलिए यूज करते हैं ताकि हम किसी को अगर मैसेज हम सेंड करते हैं उस पर्पस के लिए भी यूज करते हैं. प्रोफेशनल अगर आप कहें, देखिए चैट मैसेज वगैरह करने के लिए तो हमारे पास अदर साइट्स भी हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में भी हम करते हैं, मैसेंजर आ गया. लेकिन ये अगर आप कहें तो थोड़ा जीमेल या फिर ईमेल जो है वो एक सोफेस्टिकेटेड रीजनेबल लगता है. अगर आप किसी को सेंड कर रहे हैं थ्रू मैसेज, आप मेल कर रहे हैं, अगर जैसे हम अगर किसी कंपनी में अपना रिज्यूमे सेंड करते हैं तो हम थ्रू जीमेल करते हैं, उनका जीमेल का लिंक होता है, हम उसके थ्रू करते हैं. किसी कॉलेज के साथ अगर हमने कंसल्ट करना है तो हम थ्रू मेल उनके कंसल्ट करते हैं, कुछ डिटेल्स लेनी है तो जीमेल आप कह सकते हैं प्रोफेशनल वे में आ जाता है, थोड़ा सोफेस्टिकेटेड लगता है, जिसमें आप थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी के साथ, ठीक है. और साथ में देखिए, हम जीमेल में मेल में इनफैक्ट देखिए मेल में उस टाइम की बात करूं तो ये जो मेल है ये इनफैक्ट मैसेज ही होता है, बस ये इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है. पहले हम जो मैसेज, अगर पहले हम क्या, हमसे पहले टाइम अगर कोई मैसेज आप किसी आर्मी में जो सोल्जर्स होते थे वो अपनी फैमिली को या फैमिली को उनको सेंड करने तो बाय पोस्ट करते थे, वो थ्रू पेज पेपर पेन का यूज करके लेटर करते थे. लेकिन आजकल इसमें क्या है, मेल में हम करते हैं, मैसेजेस के और भी बड़े तरीके, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक यूज, मतलब जो भी कंप्यूटर में टाइप करते हैं और सेंड कर देते हैं, ठीक है. इसके बहुत सारे इनफैक्ट एडवांटेजेस हैं, काफी ज्यादा एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट कम है. देखिए किसी के भी प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं, कोई भी चीज हो, वो कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जिसके हर चीज का एडवांटेज हो, उसी तरह सिमिलरली ये भी. बट अब इसके काफी सारे, वही हम ईमेल में पढ़ेंगे. हम मैसेज करते हैं, मैसेज क्या, उसके साथ अटैचमेंट्स, उसके बाद इनबॉक्स, एडवांटेजेस, ये सीसी, ये रेसिपिएंट्स क्या होते हैं, उसका बीसीसी, ये जो हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, ये सारा हम क्या करेंगे, इसमें कवर करेंगे मेल में. मेल में ईमेल का जो टॉपिक है इसमें वन मार्क का आपको क्वेश्चन रहेगा, कि वन मार्क का आएगा, ज्यादातर क्वेश्चन इसमें आते नहीं है, बट वन मार्क आप एज्यूम करके चल सकते हैं कि आ सकता है इसमें, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं हम ईमेल से. सबसे पहले ईमेल की डेफिनेशन हमें पता है, सॉरी फुल फॉर्म, ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कह सकते हैं उसी को क्या कहते हैं हम, ईमेल, ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, आप जो मैसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक आप सेंड कर रहे हैं, थ्रू कंप्यूटर सेंड कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, ईमेल. ईमेल की बात, इलेक्ट्रॉनिक बाकी भी है बट इनका जो नाम स्पेशली इसका दिया हुआ है ईमेल, ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं आप, ठीक है. और स्टोर्ड इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर दैट इज एक्सचेंज बिटवीन टू यूजर्स ओवर टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है. अब देखिए जाहिर सी बात है, आप अगर सेंड कर रहे हैं तो आप सेंडर हो गए, जो रिसीव कर रहा है वो रिसीवर हो गया, ठीक है. आप, मैं अगर कोई अपना मैसेज अगर आपको मेल कर रहा हूं, कुछ पीडीएफ मेल कर रहा हूं या फिर कोई टेक्स्ट आपको मेल कर रहा हूं, तो मैं सेंडर हो गया, आप अगर रिसीव कर रहे हैं तो आप रिसीवर हो गए, ठीक है. दो इंसानों के बीच में ये क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक आप कह रहे हैं, ठीक है. मोर प्लेनली ईमेल इज अ मैसेज दैट मे कंटेन टेक्स्ट, ठीक है. देखिए आप जब मेल सेंड करते हैं, अगर मेल में कुछ आप अटैचमेंट भी कर रहे हैं तभी नीचे थैंक्स या रिगार्ड्स आपने लिखा होता है, आप किसी को इनविटेशन या फिर कुछ भी कर रहे हैं, थैंक्स रिगार्ड्स लिखते हैं. वो जो मैसेज की बॉडी होती है, बॉडी मतलब वो जो एरिया होता है, वो पोर्शन होता है जिसमें आप टेक्स्ट टाइप करते हैं, प्लस टेक्स्ट तो आप टाइप कर ही रहे हैं, उसके साथ आप क्या करेंगे, साथ में अगर आपको नीडा आप इमेज उसके साथ अटैच करेंगे,
अगर आपको नीड है आप कोई पीडीएफ फाइल अटैच करेंगे, कोई वीडियो अटैच करेंगे, कुछ भी उसके साथ अटैच करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट अटैच करेंगे। तो इसलिए ये कह रहे हैं डैट में कंटेन टेक्स्ट या फाइल्स इमेजेस और अदर अटैचमेंट। अटैचमेंट आपको पता है वहां पे ऐसा सिंबल दिया जाता है जिसके साथ, ये ऐसा सिंबल होता है जिसको आप क्लिक करके कोई भी चीज को साथ में आप क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अटैच करेंगे थ्रू अ नेटवर्क टू अ स्पेसिफाइड इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ताकि आप वो ईमेल, अब देखिए ईमेल आप सेंड करते हैं किसी एक को भी करेंगे, किसी ग्रुप को भी करेंगे, दो को भी करेंगे, मल्टीपल में कर सकते हैं आप अलग अलग, एक सेम एक ही बार सेंड करेंगे वो मल्टीपल रेसिपिएंट्स या फिर मल्टीपल कहें रिसीवर को चली जाएगी जिसको भी आप सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, ये आ गया ईमेल की डेफिनेशन। अब देखिए सबसे पहले जो ईमेल किसने बनाया था, ईमेल सबसे पहले बनाया था उनका नाम था ईमेल सेंड की थी सबसे पहले किसने, रे टॉमलिंसन ने सेंड की थी। ठीक है, रे टॉमलिंसन ने सेंड की थी सबसे पहले ईमेल, कब की थी उन्होंने, 1971। ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये याद रख सकते हैं कि टॉमलिंसन ने, रे टॉमलिंसन ने क्या की थी, सबसे पहले ईमेल सेंड की थी। ठीक है, 1971। ईमेल टू हिमसेल्फ, किसको सेंड की थी, उसने खुद को ही सेंड की थी एज अ टेस्ट ईमेल मैसेज, टेस्ट करने के लिए कि मैं जो सेंड कर रहा हूं वो क्या मैं रिसीव कर पाऊंगा या करने के लिए उसे, कंटेनिंग द टेक्स्ट समथिंग लाइक, अब उसने क्या सेंड किया था, ये क्वार्टी UIOP। ठीक है, ये जो सबसे पहला मैसेज था उसने टाइप किया और खुद को ही सेंड किया। अब क्वार्टी UOIP, आप UIOP आपको पता है, ये कीपैड में जब आप कीबोर्ड में जब आप देखेंगे सबसे जो ऊपर जिसमें हमने पढ़ा भी था कि क्वार्टी कीबोर्ड होते हैं, ठीक है, उसमें पहली जो लाइन होती है वो सारे डिजिट से ही होते हैं अल्फाबेट्स के, बस उसने सिंपली वो सारे टाइप किए और वो सेंड किया। ठीक है, रे टॉमलिंसन ने किया 1971 में किया और क्या किया, क्वार्टी UIOP। ठीक है, हाउएवर डिस्पाइट सेंडिंग द ईमेल टू हिमसेल्फ द ईमेल मैसेज वाज स्टिल ट्रांसमिटेड थ्रू ARPANET। देखिए ARPANET वो सर्विस प्रोवाइड, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकें, बस ARPANET सर्विस प्रोवाइड करता है। ARPANET की फुल फॉर्म पता है आपको, ये पता होनी चाहिए आपको, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, या आप लिख लें इसकी फुल फॉर्म भी, क्योंकि देखिए आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन में हो सकता है ना भी आए लेकिन काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं फुल फॉर्म के क्वेश्चन आते हैं, क्या आपको एब्रिविएशंस दी होती हैं उसकी फुल फॉर्म बताना होता है तो आते हैं आप, इसलिए सबकी याद रखें तो ठीक रहेगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है, ये क्या करता है सर्विस, ये प्राइवेट सर्विस प्रोवाइड करता था इंटरनेट वो। ठीक है, बाय 1996 मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल वाज सेंट देन पोस्टल मेल। पोस्टल मेल कौन सी होगी, जो थ्रू पोस्ट के सेंड की थी, उससे ज्यादा वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होती थी, ज्यादा यूज में आना शुरू हो गई थी, ज्यादा से ज्यादा सेंड करना शुरू कर दी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया, अब देखें आप सबसे पहले जब मेल बनाते हैं आप, ठीक है, अपना ईमेल जब वो बना, अब कुछ ना कुछ, अब देखिए आपका मेल एड्रेस होगा कुछ, जाहिर सी बात है अगर आपने मेरे घर आना या मैंने आपके घर जाना है तो हम दोनों को एक दूसरे का एड्रेस पता होना चाहिए। अगर आपको मेरा एड्रेस नहीं पता आप मेरे घर नहीं आ सकते, मुझे आपका नहीं पता तो आप, मैं आपके घर नहीं जा सकता। सिमिलरली मेल को, अगर उस इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को आपका एड्रेस नहीं पता तो वो आपके पास नहीं पहुंच सकता, उसको अगर मेरा मैसेज एड्रेस नहीं पता तो वो मेरे पास नहीं पहुंच सकता। सिमिलरली वैसी बात है, ये उसका एड्रेस होता है इस फॉर्म में होता है जो आप बनाते हैं, यूजर नेम जिसको बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए जब आप बनाते हैं आपको पता है कि एट द रेट एक साइन होता है, इसके बाद का पोर्शन आप चेंज नहीं करते, वो सबके लिए सेम रहता है, वो अदर देन कि आप कौन सा उसमें क्लाइंट यूज कर रहे हैं। क्लाइंट होता है वो हम पढ़ेंगे अभी आगे, मैं आपको वैसे बताता हूं, क्लाइंट या ईमेल प्रोग्राम, ठीक है, वो होता है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि आप मेल एक जगह से दूसरी जगह सेंड करें, स्टोर करें, मेल की जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो क्लाइंट हुआ। ठीक है, वो प्रोग्राम हुआ। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है वो आपको, मैंने कहा कि एट द रेट जो सिंबल होता है इसके बाद का जो होता है वो चेंज नहीं होता,
जिस भी क्लाइंट को, जिस भी सर्विस को आप यूज कर रहे हैं, वो सर्विस यहां पे रहती है, ठीक है। और जैसे gmail.com आप यूज करते हैं, outlook.com, hotmail.com, इस तरह का बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब जीमेल तो आप कोई चेंज नहीं ना करते, @ के बाद gmail.com ही होता है, ठीक है। अब वो जो gmail.com है ना, उसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन, जो कॉन्स्टेंट होता है, आप चेंज नहीं कर सकते। ये साइन आ गया @। अब देखिए ये क्या करता है, इस @ से पहले जो होता है ना, उसको यूजर नेम बोलेंगे, यूजर बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे, लोकल पार्ट बोलेंगे, अलग अलग नाम है, ठीक है। आप सिंपली इसको याद रखिए, यूजर नेम बोलेंगे इसको, ठीक है। अब @ से पहले आपको पता है या आपके हाथ पे होता है कि आपने कैसे बनाना है, जो आपके पास अवेलेबल, इनफैक्ट आपके हाथ में कुछ यूजर नेम अवेलेबल नहीं होते जब आप बना रहे हैं, ठीक है। जैसे एज इट, अगर मेरा नाम अजीत सिंह है तो मैं अजीत सिंह लिखूंगा एज इट, और @ ये अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि ये मुझसे पहले एड्रेस किसी ने ले लिया होगा, अब ये एड्रेस मेरे लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि सबके एड्रेस अलग होते हैं, ठीक है। सिमिलरली अब क्या हुआ, ये मैं बना नहीं सकता, यहां पे मैंने कुछ भी बनाया। देखिए सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि कोई स्पेस नहीं होती है। यूजर नेम जब आप करते हैं, लेटर्स का यूज करते हैं, अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं, बट इसमें कोई भी स्पेस नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए जब स्पेस नहीं है, यह आपने कुछ यूजर नेम बनाया, अब ये @ क्या कर रहा है, ये लिंक कर रहा है इस यूजर नेम को इस डोमेन नेम को, क्या कर रहा है, जोड़ रहा है इसको। कुछ में सेपरेट बोलते हैं, कुछ में जोड़ना करते हैं, आप जो मर्जी आपके अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन आएगा समझ लीजिए, कुछ कहेंगे ये जोड़ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ये लिंक कर रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से आगे। इसको बोलते हैं यूजर नेम, इसको बोलते हैं @ और इसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये .com है यहाँ पे, ये कंपनी, ये कंपनी कॉम का मतलब कंपनी आ जाते, कई बार अब .org ऑर्गेनाइजेशन होता है, .in देखा होगा, in का मतलब होता है इंडिया, अगर वो अमेरिका का उसका अलग होगा .in, इस तरह .private limited अलग होता है, तो ये चीजें अलग होती हैं, ठीक है। डोमेन नाम आ गया, ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया कि हमारा कोई एड्रेस होगा तभी हमारे पास मेल पहुंचेगी, उनका जिसको हम सेंड कर रहे हैं उनका कोई एड्रेस होगा तभी उनके पास क्या होगी, मेल पहुंचेगी, सेंड होगी। द फर्स्ट पोर्शन ऑफ ऑल ईमेल एड्रेसेस द पार्ट बिफोर द @, इससे पहले जो सिंबल होता है, कंटेन्स द यूजर ग्रुप और डिपार्टमेंट ऑफ, मतलब या वो देखिए आप, अगर हम कंपनी, हम इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, इसमें हमारे पास कोई प्रोफेशनल, अगर हमारी एक मेल होगी, जीमेल होगा या कोई ऐसी मेल होगी, तो उसका भी एक नाम होगा, ग्रुप ऑफ, या फिर वो किसी का नाम है, अलग अलग उसी तरह बना सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कोई टेक्निकल काम कर रहा है तो हम जीमेल बनाएंगे उनकी, की टेक्निकल वर्क की, ये टेक्निकल विंग से एक उड़ान, या फिर मार्केट विंग, मार्केटिंग विंग से एक उड़ान, या एडमिनिस्ट्रेशन विंग, इस हिसाब से, ठीक है, बनाते हैं। नेक्स्ट, द @ इज अ डिवाइडर, ये डिवाइडर कहा जा सकता है या लिंकर कहें, जैसे भी आपके, इट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल SMTP। अब देखिए SMTP क्या आ गया यहाँ पे, SMTP आ गया सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी डेफिनेशन इसकी याद रखिएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए प्रोटोकॉल का मतलब होता है, आप अगर जाते हैं, ये प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स को बोलते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है। उसी तरह कहते हैं कुछ रूल्स के हिसाब से, अगर मैं आपको सेंड कर रहा हूं, आप मुझे सेंड कर रहे हैं, बट कुछ ये हमें सर्विस प्रोवाइड हो रही है तभी मैं आपको सेंड कर पा रहा हूं, आप मुझे सेंड कर पा रहे हैं, वही कुछ रूल्स के हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, मेल को सेंड कर पा रहे हैं, वो क्या है, SM, जैसे उसमें होता है इंटरनेट अगर हम यूज कर रहे हैं, उसमें होता है TCP/IP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसी तरह यहां पर होता है, ठीक है। SMTP का मतलब क्या हो गया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, एक मिनट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स ए कुरान, देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल द PSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार एस्पिरेंट्स। विंग्स आपके लिए लेके आया है मेंटरिंग कम कोचिंग कोर्स, यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा। गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपरली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन, उसके साथ-साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, MCQ सेशंस, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। गाइस, फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो PSC और UPSC के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुके हैं। सो ऑल दोस पीपल हु आर गाइडिंग यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दिस एग्जाम। ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, दुरीना ऐप। हाँ जी।
तो सिंपल मेल प्रोटोकॉल आ गया यहां पे, हाँ सिंपल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिंस रे टॉमलिंसन सेंट द फर्स्ट मैसेज, तब से ये यूज हो रहा है। ये प्रोटोकॉल क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है ताकि आप मेल एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर पाए, और जो आपकी मेल सेंड होती है वो आपके पास भी स्टोर होती है, और जिसको आप सेंड कर रहे हैं डिलीवर हो रही है उसके पास भी स्टोर होती है। ये सारी सर्विस यही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब नेक्स्ट आ गया हाउ टू सेंड एंड रिसीव ईमेल, ठीक है। अब देखिए ईमेल प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको बताया टू सेंड एंड रिसीव ईमेल मैसेज यू कैन यूज एन ईमेल प्रोग्राम आल्सो नोन एज ईमेल क्लाइंट। मैंने अभी बताया ईमेल क्लाइंट कौन हो गया, जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करें, सेव करें, उसको डिलीट करें, जो भी ट्रांसफर करें, वो जो प्रोग्राम, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो गया, मोज़िला हो गया, थंडरबर्ड हॉटमेल हो गया, एटसेट्रा, अलग अलग जीमेल हो गया, उसी तरह। अब देखिए हॉटमेल में याद रखिए इसने सबसे पहले फर्स्ट फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइड की थी हॉटमेल में, ठीक है, ये याद रखिए। व्हाइल यूजिंग एन ईमेल क्लाइंट अ सर्वर डैश स्टोर्स एंड डिलीवर्स योर मैसेज इज यूज्ड। अब सर्वर, जाहिर सी बात है सर्वर यूज होता है, कौन सा सर्वर यूज होगा ये पढ़ेंगे, होस्टेड बाय योर, ये आ गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या करता है, ये सर्विस जो प्रोवाइड करता है इसकी वजह से क्या करते हैं, या फिर वही मैंने बोला इसकी वजह से क्या होता है, आपके मैसेजेस सेंड होते हैं, या फिर ये एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी है, ठीक है, उसके थ्रू आप मेल सेंड कर पाते हैं, वो एक प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स है जिससे आप मेल बनाते हैं और सेंड कर पाते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, ये आपको सर्विस इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। उससे तो आप ये एक सेटअप प्रोटोकॉल होगा ना, एक रूल्स होंगे जिससे आपने, जैसे आप अगर कोई मेल बनाते हैं उसमें पहले टू होता है, फिर फ्रॉम होता है, फिर सीसी होता है, फिर बीसीसी, फिर सब्जेक्ट, फिर ऐसे ऐसे सब कुछ होता है, वो एक प्रोटोकॉल होता है। उसी तरह वो आप उस प्रोटोकॉल से बनाएंगे सेंड, लेकिन ये आपको वो सर्विस प्रोवाइड करेगा कि आप एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे हैं, ठीक है। एन ईमेल क्लाइंट नीड्स टू कनेक्ट टू अ सर्वर टू डाउनलोड। अब जाहिर सी बात है उसको किसी ना किसी सर्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी आप इंटरनेट की फैसिलिटी मिलेगी आपको, तभी आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रॉन ये थ्रू आपको इंटरनेट ही आप सेंड करें और रिसीव करें। इज ऑलवेज अवेलेबल टू एनी इंटरनेट कनेक्टेड, और ये हमेशा जीमेल आप कहीं पे भी जाके लॉग इन करें वहां पे आपका सारा का सारा डेटा क्या होगा वहां पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ऑनलाइन ईमेल या वेब मेल कहें आप इसको, एन अल्टरनेटिव वे ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल एंड द मोर पॉपुलर सॉल्यूशन फॉर इज एन ऑनलाइन ईमेल सर्विस, और या फिर जिसको कहते हैं वेब, जैसे वेब व्हाट्सएप वेब होता है उसी तरह ऑनलाइन ईमेल सर्विस है। एग्जाम्पल्स हॉटमेल, अब ये outlook.com बोला, जीमेल, yahoo.com आ गया, many other services including the ones we mentioned are free, और ये सारे क्या होते हैं, फ्री होते हैं। आप जीमेल डाउनलोड करते हो क्या, आपको पैसा, आप पे करते हो, नहीं पे नहीं करते आप, सिंपली आप इसमें रजिस्टर करते हैं, साइन इन करते हैं और इसको यूज करते हैं, ठीक है। राइटिंग एन ईमेल, अब देखिए ये हमने देखना है, जब हम ईमेल को सेंड करने वाले होते हैं, करते हैं, तब हम उसको क्या क्या फॉर्मेट है, क्या क्या प्रोटोकॉल्स है जिसके थ्रू हम उसको सेंड करते हैं, ठीक है। ऐसे तो नहीं आपने टेक्स्ट लिखा और सेंड कर दिया, नहीं, आपको एड्रेस, जैसे ईमेल एड्रेस जिसको आपने सेंड करना है उसका ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए आपको, ठीक है। किन किन को, एक को सेंड करना, एक से ज्यादा को सेंड करना, तब क्या करना, आपको सब्जेक्ट होना चाहिए उसका, ठीक है, ये सारी। अब देखिए व्हेन राइटिंग एन ईमेल मैसेज इट शुड लुक समथिंग लाइक द एग्जांपल विंडो एज वी सी दैट सेवरल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड व्हेन सेंडिंग एन ईमेल। अब अलग अलग फील्ड्स कह रहे हैं रिक्वायर्ड जरूरी होती है, जैसे मैंने अभी बताया टू, सबसे पहले वहां पे मिलता है टू, टू का मतलब होता है आप किसको सेंड करने वाले हैं, ठीक है। मैंने मैंने सेंड करना है विंग्स एक उड़ान को सेंड करना है, कोई अपनी ये पीडीएफ सेंड करनी है, तो मैं सबसे पहले टू में क्या लिखूंगा, विंग्स एक उड़ान की प्रोफेशनल जो मेल है उसको मैं यहां पे जहां भी मैंने सेंड करना है मैं उसको वहां पे लिखूंगा, और फिर उसके बाद फ्रॉम, फ्रॉम मतलब अब मैं सेंड तो जीमेल को कर, सॉरी विंग्स एक उड़ान में कर रहा हूं, लेकिन उसको पता होना चाहिए ना भाई, उसके पास जब आएगी उसको पता होगा ये कहां से आई है मेरे पास, फिर उसको पता लगेगा हाँ आई है किसके, कहां से आई है, अजीत के अपने पर्सनल मेल से पहुंची है कहां पे, विंग्स एक उड़ान के मेल में, ठीक है। अब ये दोनों हमने फिल करने, उसके बाद इफ यू आर रिप्लाइंग फॉर, अब देखिए इसमें आ गया ये कह रहे हैं कि अगर आप, ये तो दो आ गया, जब आपने एक नया कंपोज किया कोई मैसेज, कंपोज करना हो गया, नया बनाना,
कि मैं नहीं ये पीडीएफ सेंड करूं, लेकिन अगर इन केस मुझे पहले ही जीमेल से कुछ सॉरी विंग्स एक उड़ान से पहले ही कुछ उस मेल से जीमेल से मुझे कुछ ना कुछ आया हुआ है, मैं उसको क्या करूंगा, सिंपली रिप्लाई करूंगा। रिप्लाई का वहां पे ऑप्शन होता है, जब आप रिप्लाई करते हैं तो टू और फ्रॉम ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है, आपको सिर्फ मैसेज को अटैच करना होता है और सेंड करना होता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, फील्ड्स आर ऑटोमेटिकली फिल्ड इफ यू आर रिप्लाइंग टू अ मैसेज। अगर आप किसी मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि रिप्लाई भाई उसी को कर रहे हैं तो उसको बार बार एड्रेस की जरूरत नहीं है ना, वो इतना तो स्मार्ट है कंप्यूटर। ठीक है, बाय सेलेक्टिंग द बाय इसको छोड़ दें बाकी। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है शॉर्ट में टाइटल, जो शॉर्ट टाइटल आप कहें, या कि कोई भी चीज जो भी आप बॉडी या मैसेज आप कुछ भी लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, कुछ अटैच कर रहे हैं, उसका एक शॉर्ट में आप बिल्कुल लिखेंगे, एक लाइन में या एक वर्ड में या हाफ सेंटेंस में कुछ भी लिख देंगे कि इमेज ऑफ दिस या पीडीएफ फाइल ऑफ दिस, तो अलग अलग आप लिख के सब्जेक्ट में लिखेंगे, ताकि जब क्योंकि जब आप जिसको सेंड कर रहे हैं उसके पास जब जाएगी तब उसको सब्जेक्ट शो होगा। अगर उसको सब्जेक्ट लगेगा अच्छा ये इंपॉर्टेंट, अच्छा ये चीज है, मैं इसको ओपन करके देखूं, फिर वो ओपन करके देखता उसको। अगर उसको लगेगा अभी अनइंपॉर्टेंट चीज है, मैं अभी कहीं बिजी हूं, मैं इसको बाद में ओपन करूं, फिर वो सब्जेक्ट के हिसाब से क्या करेगा, उसको लेटर क्या करेगा, उसको ओपन करेगा। ठीक है, सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस होता है। उसके बाद क्या आ गया, सीसी। अब देखिए सीसी, और ये लिखा हुआ सब्जेक्ट क्या होता है, ऑप्शनल होता है। ठीक है, फिल करें ना करें। अब सीसी क्या आ गया, कार्बन कॉपी। देखिए कार्बन कॉपी में क्या होता है, आप अगर क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, जैसे मैंने सेंड किया 10 स्टूडेंट्स है, मैं उनको ये पीडीएफ सेंड कर रहा हूं थ्रू मेल। मैंने उन 10 की 10 का पहले यूजर नेम, पहले जीमेल मुझे पता था उनका एड्रेस, मैंने उनको जीमेल उनका डाला सारा, पुट किया उनको वहां पे, डाले 10 डाला और मैंने क्या कर दिया, सेंड कर दिया। और ये मैंने 10 जब डालना है ना, तो 10 में ये सारे सीसी में डालूंगा। सीसी में जब मैं डालूंगा, अगर कार्बन कॉपी में क्या होता है, एक ही बार मैसेज डालूंगा, उनमें सारों का उसी एक ही मैसेज लिखा होगा, उसमें सारों का एड्रेस लिखा होगा, सेंड करूंगा, 10 के 10 के पास चली जाएगी। लेकिन वो 10 के 10 पास चली तो जाएगी, लेकिन आप उन 10 को पता चल जाएगा, अच्छा ये मुझे भी सेंड हुई है, इन बाकी 9 लोगों को भी सेंड हुई है। इसी तरह हर एक को पता चल जाएगा कि बाकी हुई है। लेकिन इसका एक नीचे ऑप्शन होता है बीसीसी। ठीक है बीसीसी गाइस, JKPSI की 800 पोस्ट रिकमेंड हो चुकी हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ चुका है। अगर आप इस पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो बिना वक्त गवाए इमीडिएटली प्रिपरेशन शुरू कर दें, और इस प्रिपरेशन में विंग्स एक उड़ान आपके साथ है। गाइस, वी आर लॉन्चिंग ऑनलाइन कम ऑफलाइन SI कोर्स, मतलब ये कि आप इमीडिएटली अपनी ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा लगाई हुई रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट अप किया जाता है, आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वो अमाउंट जो आप ऑनलाइन पे करेंगे वो ऑफलाइन में से डिडक्ट हो जाएगा। और जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन नहीं भी कर सकते, जो फार-फ्लंग एरियाज से हैं, उन लोगों को बता दूं कि हम आपको प्रॉपर मेंटर करते रहेंगे, प्रॉपर गाइड करते रहेंगे, ताकि आप भी वही फायदा उठा सकें जो ऑफलाइन कोर्स में उठाया जा सकता है। दोस्तों, विंग्स एक उड़ान से पहले आई वॉज द फाउंडर ऑफ RS Academy, जिसपे मोर देन 50 स्टूडेंट्स की फाइनल सिलेक्शन होती है JKPSI। तो दोस्तों, इसी एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए वी विल ट्राई कि हम ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन विंग्स एक उड़ान के प्लेटफॉर्म से JKPSI को देखें। तो दोस्तों, बेटर क्वालिटी कंटेंट, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें विंग्स एक उड़ान ऐप। उस ऐप में स्टोर सेक्शन में जाके आपको हमारा कोर्स एक्सेस मिल जाएगा। और अकाउंट्स के न्यूली एडिट टॉपिक्स के लिए आपको डाउनलोड करना है विंग्स एक उड़ान की ऐप, उसके स्टोर में जाइए, वहां पर आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। BCC, ठीक है, BCC में क्या होता है, वो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसमें क्या करते हैं आप, कि आप उसमें आपने अगर ब्लाइंड में वहां पे ऑप्शन उस फील्ड को अगर फिल करके वहां पे सारा फिल करेंगे, सारे एड्रेस वहां पे डालेंगे, तो किसी को नहीं पता लगेगा कि ये बाकी फाइल, इसकी कॉपी फाइल किसको सेंड हुई है। तो मतलब इसमें थोड़ा ना प्राइवेसी हाई होती है, सीसी में नहीं होती। कुछ बार होता है ना कि आप अगर 10 को सेंड करना, आप एक एक को सेंड करने के बजाय आप ये भी सोचते हैं कि हमने एक ही साथ इन 10 को सेंड करूं लेकिन इनको पता भी ना चले, तब ये ऑप्शन यूज करते हैं। ठीक है, जब आपको कोई फर्क नहीं, आपको लगता है कि हाँ जाने दो, इसको पता लगे क्या होगा, तो आप सीसी का ऑप्शन यूज करते हैं। अदरवाइज दोनों ऑप्शनल है, मत भी करें ना भी यूज करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फाइनली द मैसेज बॉडी। अब उस बीसीसी के नीचे होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है मैसेज बॉडी। अब देखिए मैसेज बॉडी क्या होता है, मैसेज बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें आप मैसेज अपना टाइप करते हैं,
जो आप अटैच करते हैं वो भी उस मैसेज बॉडी के नीचे आपको शो होता है, ठीक है। ये आ गया मैसेज बॉडी, जहां पे फाइंड द मैसेज बॉडी इज द लोकेशन, यू टाइप योर मेन मैसेज, इट ऑफन कंटेन्स योर सिग्नेचर एट द बॉटम सिमिलर टू द हैंड रिटन लेटर, ठीक है। उसी तरह होता है, या फिर थैंक्स रिगार्ड जो भी आप लिख सकते हैं वहां पे, वहां पे लिख के आप क्या करेंगे, सेंड करेंगे। ये ऐसे दिया हुआ है, जैसे फ्रॉम यहां से सेंड करें, टू विंग्स एक उड़ान को सेंड करें, सीसी आ गया, बीसीसी का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, बीसीसी का आप लगा लीजिएगा, टू आ गया, टू जिसको भी सेंड करिए, सब्जेक्ट आ गया, मैसेज बॉडी आ गई, बाकी सारा आ गया। ये अटैच आ गया, अटैच करना अपने फाइल यहां से कर लिया, ठीक है। यहां तक आपको हो गया क्लियर? व्हाट मेक्स अ वैलिड ईमेल एड्रेस, कि भाई जो आप ईमेल एड्रेस बना रहे हैं, जो आपने एड्रेस बनाया हुआ उसमें कौन कौन सी चीजें, अब उसमें भी जैसे मैंने आपको बताया, जब आप बनाते हैं मस्ट हैव यूजर्नेम बाय द डोमेन, देखिए इसमें क्या, जैसे स्पेस नहीं, स्पेस गैप नहीं होना चाहिए उसमें, कुछ कैरेक्टर्स कुछ नहीं होने चाहिए, उसी तरह का। ये आप क्या करेंगे, ये मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा, आप ये खुद पढ़ेंगे, ठीक है। इसको देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जिनको नहीं मिलेगी, और इसको भी थोड़ी देर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको भी खुद पढ़िएगा, क्योंकि ये एड्रेस को मेल वैलिड करना, कि आपका जो बना रहे हैं आप एड्रेस, जो भी आप जीमेल बना रहे हैं उसका एड्रेस बना रहे हैं वो वैलिड, उसमें क्या क्या चीजें ना यूज करें। जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेस का यूज नहीं, स्पेस नहीं होनी चाहिए, दो अल्फाबेट, दो कंसेक्यूटिव पीरियड्स कोई भी अल्फाबेट्स के बीच में, या लेटर अल्फाबेट के बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एडवांटेजेस, एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, जैसे फ्री डिलीवरी, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में डिलीवर करना है, आपने जस्ट टाइप करना है, आपने रजिस्टर किया, साइन इन किया, यूज करें जितनी मर्जी टाइम यूज करें। ग्लोबल डिलीवरी, जहां मर्जी करें आप, यहां से इस मोहल्ले के पास करें, या फिर जहां मर्जी अमेरिका करें, जहां मर्जी आप करें, ठीक है, हर जगह जाएगा। इंस्टेंट डिलीवरी, जैसे आपका इंटरनेट फैसिलिटी होगी, यहां से अगर गया तो वहां उसके पास पहुंचा। फाइल अटैचमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म स्टोरेज, आप स्टोरेज इसकी काफी ज्यादा होती है, आप ज्यादा देर तक इसको रख सकते हैं, और इको इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, ये तो हमें सबको पता है, पहले जब हम पेपर यूज करते थे, पेन यूज करते थे, चलो बकायदा किसी को याद के लिए अपने संभालता था, पेपर लेटर संभालता था, लेकिन अगर कुछ फाड़ भी देते थे नहीं ठीक लगता था, गुस्से में आके फाड़ दिए जी, लेटर रखा हुआ, तो फिर क्या करते थे, वेस्ट होता था, पेपर भी वेस्ट हुआ, पेन भी वेस्ट हुआ। तो इसमें क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, आपने टाइप किया, उस अगले को पसंद है, रखना है, रखे ना रखना, उसे डिलीट किया, खत्म बात, ठीक है। तो एक इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी यूज आता है, इतने सारे एडवांटेजेस हैं इसके। अब मैं आपको यहां पे, मैंने और पीडीएफ में नहीं लिखा हुआ, अब इसमें कुछ पॉइंट्स में आपको बता देता हूं। जब आप मेल ओपन करते हैं, देखिए वहां पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, सेंट का ऑप्शन आता है, इनबॉक्स का ऑप्शन आता है, प्राइमरी, सोशल, उसके बाद प्रमोशन। इसमें मैं थोड़े आपको बता देता हूं, यहां पे लिख के बताऊंगा मैं आपको, आप इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। देखिए जब आप लैपटॉप में तकरीबन अगर खोलेंगे कभी, तो वहां पे ऑल इनबॉक्सेस लिखा होता है, ऑल इनबॉक्सेस, ठीक है। इस ऑल इनबॉक्सेस के अंदर तीन तरह के मैसेजेस आते हैं, एक प्राइमरी, एक सोशल और एक प्रमोशंस, ठीक है। ऑल इनबॉक्सेस के अंदर कितने मैसेजेस आए, तीन मैसेजेस आए, प्राइमरी, सोशल और प्रमोशन, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, प्राइमरी में वो होते हैं मैसेजेस होते हैं जो आपके पर्सनल मैसेजेस होते हैं, जो आपके काम के होते हैं। सोशल में वो मैसेजेस होते हैं जो आपके यूट्यूब के, अमेजोन के, फ्लिपकार्ट के, व्हाट्सएप के, कोई ओटीपी के, वो चीजें होती हैं सारी सोशल में। प्रमोशन में वो हो गया, हाँ प्रमोशन करिए कोई कंपनी, हाँ इतना डिस्काउंट है उसका हो गया, इंस्टीट्यूट का प्रमोशन का हो गया, किसी कंपनी का हो गया, उनका प्रमोशन हो गया, ये कैटेगरी होती है। इन सबको मिलाकर आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ऑल इनबॉक्सेस, ठीक है। मिलाकर समझ आ गया आपको, ये ऑप्शन होते हैं। प्राइमरी कौन से हो गए, जो आपके पर्सनली मैसेजेस हो जाएंगे जो आपको आए हैं, और उसके सोशल कौन से हो जाएंगे, जो सोशल साइट इंस्टाग्राम का हो गया, फेसबुक का हो गया, किस इसका। प्रमोशन में जैसे अलग अलग डिफरेंट डिस्काउंट का प्रमोशन, ये ज्वाइन करो, वो कॉलेजेस का, डिफरेंट डिफरेंट आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इनबॉक्स तो आपको पता ही है क्या होता है, जिसमें मैसेजेस होते हैं सारे आपके, एक ही हो गया। अब देखिए एक सेंट होता है, एक आउटबॉक्स होता है, क्या होता है, एक सेंट होता है, एक आउटबॉक्स होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सेंट में क्या होता है, आपने मैसेज टाइप किया, सेंड किया,
खत्म बात पहुंच की डिलीवर हो गया अगले को, वो आएंगे सेंट में। आउटबॉक्स में कौन से आते हैं? जो अभी सेंट नहीं हुए हैं, ठीक है, जो अभी सेंड नहीं, आपने सेंड कर दिया हो लेकिन अभी सेंड नहीं हुआ, वो थोड़ी देर बाद सेंड होगा या फिर इस तरह का होगा, ठीक है, वो क्या आ जाता है, आउटबॉक्स में चला जाता है, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद ड्राफ्ट, आपको पता है क्या होता है, ड्राफ्ट हो गया, आपने मैसेज टाइप किया बट सेंड नहीं किया, उसको एज इट मैसेज छोड़ दिया, वो ड्राफ्ट मैसेज। आप इनफैक्ट अगर आप देखें तो आप अपने फोन में जो मैसेजेस यूज करते हैं उसमें भी कभी टाइप करके आप अगर मिनिमाइज कर देते तो वो एज ए ड्राफ्ट मैसेज सेव हो जाता है। सिमिलरली वैसा होता है, ड्राफ्ट मैसेज भी वैसा ही होता है, ठीक है, कि आपने टाइप किया बट अभी सेंड नहीं किया, ठीक है। अब क्यूड, देखिए ये कंप्यूटर टर्म है, ये लाइन क्यूड होता है, टर्न बाय टर्न, मतलब पहले लाइन में लगे हैं सारे, सबसे पहले जो आ गया है वो जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, उसी तरह। अगर कोई मैसेज आपने सेंड किया और वो अभी तक नहीं गया तो वो क्या हो जाएगा, क्यूड में चले जाते हैं। कुछ मैसेजेस जो अभी डिलीवर नहीं हुए इंटरनेट की फैसिलिटी की वजह से या फिर, वो इन क्यूड में चले जाते हैं, ठीक है, फिर वो आहिस्ता जैसे आते हैं फिर उसके बाद क्या हो जाते हैं, डिलीवर हो जाते हैं, ठीक है। अब आ गया ट्रैश, क्या आ गया, ट्रैश कहें या बिन कहें, ट्रैश बिन भी कहते हैं या ट्रैश बिन भी कहते हैं। ये कौन से आ गए, जो डिलीटेड मैसेजेस होते हैं वो कहां पे आते हैं, यहां पे आते हैं, ठीक है, और वो यहीं पे रहते हैं और मैक्सिमम ये 30 डेज तक रहते हैं, उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली। ट्रैश बिन भी हो गया, वहां पे एक प्लस का साइन होता है, ये कंपोज यहां पे लिखा होता है, मतलब आपने कोई नया मैसेज आपने टाइप करना है तो इस प्लस के साइन को या फिर इस कंपोज को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका नया मैसेज का वो बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आप टाइप करें, टू लिखें, फॉर्म लिखें, जो करना है वहां से करें, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया आपका ये कहें आपका स्पैम। स्पैम कौन से होते हैं, स्पैम मैसेजेस वो होते हैं अनवांटेड, जो अननेसेसरी मैसेजेस आते हैं या फिर जंक मैसेजेस होते हैं, ठीक है, वो जो मैसेजेस होते हैं वो कहां पे जाते हैं, स्पैम मैसेजेस में जाते हैं, ठीक है। कौन से अनवांटेड मैसेजेस या जंक मैसेजेस होते हैं वो कहां पे जाते हैं, आपके स्पैम फोल्डर में जाते हैं। और स्टेड, आपको पता है स्टेड कौन से होते हैं, स्टेड और इंपॉर्टेंट ये दोनों सेम ही होते हैं एक किस्म के, ठीक है, जिसमें आप स्टेड में क्या होते हैं, स्टार सा होता है, आप उसको क्या करते हो, हाईलाइट मार्क कर देते हो ताकि आपका मैसेज है जो क्या हो वो रीड हो जाए आपको, ठीक है, जब भी आप उसको खोलकर देखें, कभी भी खोलकर देखेंगे तो आपको वो अलग से मेंशन हो जाएगा, क्लियरली आ जाएगा कि हाँ ये आपके स्टार मार्क है, मतलब ये इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, उनको क्या लगाते हो आप, स्टार लगाते हो आप, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे क्लियर आपका। उसके बाद आया स्नूज्ड और शेड्यूल्ड। देखिए स्नूज्ड और शेड्यूल्ड में क्या डिफरेंस है, स्नूज का मतलब होता है ये आप अलार्म को स्नूज भी करते हैं कि थोड़ी देर बाद क्या हो, आप सोए हैं, अलार्म लग रहा है तो आपको सोचा आपने कि हाँ 5 मिनट और सो जाते हैं उसके बाद उठेंगे, आपने अलार्म को 5 मिनट का स्नूज दे दिया ताकि आप क्या करें, स्नूज, आप कहीं पे इंपॉर्टेंट अगर बैठे हैं, कहीं पे आपको मेल आया, आपने देखा इंपॉर्टेंट है, बेटा अभी रीड नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते, आपने क्या कर दिया, स्नूज, उसको अलार्म लगा दिया कि हाँ भाई थोड़ी देर के बाद वो अलार्म होगा, आपको पता चल जाएगा दोबारा कि हाँ भाई ये मैसेज आ गया तो हम इसको क्या कर दें, मतलब जब आप फ्री होंगे अपने अकॉर्डिंग, ऑफिस टाइम में कहीं पे भी बिजी हैं, आपने 1 घंटे के बाद उसको अलार्म लगा दिया, फिर उसके बाद ये खुद स्नूज होगा, मैसेज आपको वापस शो होगा ताकि आप उसको वापस पढ़ सकें क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और शेड्यूल्ड का मतलब क्या हुआ, आपने टाइप किया मैसेज, कुछ भी लिख के रख दिया और आपने अभी सेंड नहीं करना, आपने कहा कि आज सेंड होना मुझे आज जरूरत नहीं है, आज आप फ्री बैठे थे लेकिन मैसेज आपको कल सुबह सेंड करना था, आज अभी इस टाइम फ्री बैठे थे, आपने कहा चलो मैं टाइप कर लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, अटैच कर लेता हूँ, और आपने कल का शेड्यूल कर दिया कि हाँ भाई कल सुबह 10 बजे ये मैसेज सेंड हो जाना, तो जैसे आपने शेड्यूल कर दिया तो ये क्या होगा, उसी टाइम पे सेंड हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया आपका। अब मुझे फिलहाल इतने ही यहाँ पे याद आ रहे हैं और मेरे ख्याल से आपके कंप्लीट भी हो गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म्स आप याद रखिएगा, एक थ्रेड जैकिंग और फिशिंग। थ्रेड जैकिंग और फिशिंग, देखिए थ्रेड जैकिंग और फिशिंग, पहले मैं आपको फिशिंग बताता हूँ, फिशिंग क्या होता है। फिशिंग जो होता है एक किस्म का ये क्रिमिनल अटेम्प्ट होता है
इसको एज ए क्रिमिनल भी अटेम्प्ट बोला जाता है। क्यों? इसमें क्या किया जाता है, फेक आपको मैसेजेस, फेक मेल्स आती हैं जिसके थ्रू आप अगर उसको ओपन करेंगे वहां पे वायरस होगा, कुछ भी होगा, जिससे कुछ भी अटेम्प्ट हो सकता है, आपका आपका फोन हैक हो सकता है, फिशिंग उस तरह का, मतलब उसी हिसाब का सब्जेक्ट होगा। आप उसको ओपन करेंगे उसको क्या होगा, कुछ भी आपका हैक हो जाएगा, फोन हैक हो जाएगा, या फिर कुछ भी अननेसेसरी कोई भी चीज हो सके। इसको मतलब क्रिमिनल में लिया जाता है फिशिंग को, ठीक है। क्या लिया जाता है, फेक मैसेजेस आते हैं जिसको आप ओपन करेंगे, कोई ऐसा लिंक आएगा कुछ भी होकर, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, उस अगले की इंटेंशन, जिसने ये मैसेज किया हुआ है उसकी इंटेंशन ही होगी कि आपको क्या करे, वो इस किसी गलत चीज में आपको इन्वॉल्व करे, ठीक है। फिशिंग का हो गया। अब थ्रेट जैकिंग का क्या होता है, थ्रेट जैकिंग भी यही होता है, बट थ्रेट जैकिंग क्रिमिनल केस, क्रिमिनल कैटेगरी में नहीं आता। क्यों नहीं आता, इसमें क्या करते हैं, इसमें तकरीबन जो प्रोमोटर्स होते हैं या फिर जो मार्केटिंग करते हैं वो क्या करते हैं, इसमें सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपको पहले शो होता है, जब आप बिना मैसेज शो ओपन किए हुए आपको सब्जेक्ट शो हो रहा है, उसमें लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा, बम्पर प्राइज लिखा होगा, आपने इतना पैसा जीत लिया, आप ओपन करेंगे, फिर उसमें अलग सी फॉर्मेलिटी, हाँ पहले 20 ग्रुप को ये मैसेज सेंड करो, फिर आप इतना प्राइज जीत जाएंगे, जो आपको डिस्टर्ब करता है, इरिटेट करता है, ठीक है। वो उनका एक तरीका होता है जिसमें सब्जेक्ट अलग होता है लेकिन मैसेज अलग होता है, लेकिन उनका जो वो इंटेंशन होती है वो आपको किसी चीज में फंसाने की या फिर गलत किसी एक्ट में आपको डालने की नहीं होती है, ठीक है। थ्रेट जैकिंग का होता है वो जस्ट अपनी प्रमोशन करे ताकि आप उसको ओपन करें तो उसको यूज करें, ऐसे उनके सब्सक्राइबर बढ़े या फिर ऐसे उनकी मार्केटिंग हो, आप कुछ भी करें, ठीक है। उस हिसाब से थ्रेट जैकिंग और फिशिंग में ये आ गया, ठीक है। तो यहां तक आपका, आप मेरे हिसाब से आपका ईमेल यहां पर क्लियर हो जाता है, खत्म हो जाता है ये भी टॉपिक आपका। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको। So till then, take care, bye-bye, thank you so much.